अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में जिसको हम कहते हैं डॉक। इन विंडो हम इसको टूल बार कहते थे, लेकिन इन मैकबुक में हम इसको डॉक कहते हैं। डॉक के इसमें हम अगर इसमें चेंजिंग करने के लिए फर्ज करें कि ये जैसे मेरे पास जिस पे भी मैं कर्सर लेके जाता हूँ अपना, तो ये मेरे पास थोड़ा जूम में हो जाते हैं, जूम में आ जाते हैं। तो ये कैसे आते हैं, ये इसका साइज़ मैं छोटा कर सकता हूँ, ये पूरी टूल बार का इसका मैं साइज़ छोटा कर सकता हूँ कि नहीं, इसकी जो ये लेंथ है ये मैं बड़ी कर सकता हूँ या छोटी कर सकता हूँ, या इसको मैं अगर अपने लेफ़्ट या राइट साइड पे लेके जाना चाहूँ तो वो मैं कैसे लेके जाऊँगा। इसके लिए हमें सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन इधर हमारे पास है डॉक का। डॉक हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा साइज़। ये हम देखें साइज़ अगर मैं स्मॉल कर देता हूँ तो इसका साइज़ बिल्कुल ही स्मॉल हो जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे बड़ा करता जाऊँगा तो जितनी आपको लिमिट चाहिए तो आप उतनी रख सकते हैं। तो मैं एक हद तक जैसे कि इतना मैंने रखा हुआ है तो ये सही लगता है स्क्रीन पे, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, बस नॉर्मल सी एक रेंज रखें आप जैसे आपको ठीक लगे। देन हम नेक्स्ट आ जाएंगे मैग्नीफिकेशन में। जैसे कि ये पॉपअप हो जाते हैं अगर, तो ये इसमें मैं टिक करता हूँ, टिक किया हुआ है तो ये मैग्नीफाई होते हैं, नहीं तो ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। मैं जिस पे भी अगर कर्सर ले जाऊँ तो ये अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो ये एक सिंपल सा हो जाता है। तो मैग्नीफिकेशन अगर ऑन कर लें तो ये ज़्यादा कूल लगता है। इसके लिए ये भी है कि हमने ये कितना ऊपर है, कितनी ये कितना ये जो है मैक्सिमम हो जाए ये साइज़ इनका, इसके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन है। अगर मैं इधर तक ले आऊँगा तो हल्का सा उन्होंने हल्का सा ये मूव होगा अपनी जगह से। अगर मैं यही इसको मैक्सिमम कर दूँ तो ये देखें ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बड़े आइकन शो होंगे। तो ये एक छोटी सी रेंज पर इतनी काफ़ी होती है जो कि मुझे अच्छी लगी। तो इसके बाद हम डॉक की पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं। पोजीशन ऑन स्क्रीन, अगर मैं इसको लेफ़्ट पे लेके जाना चाहूँगा तो मैं लेफ़्ट पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखें मेरे पास लेफ़्ट में सारे आइकन्स आ गए, मेरे पास जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारी लेफ़्ट में आ गए। इसी तरह अगर मैं राइट में करना चाहूँ तो ये राइट में भी आ सकता है, लेकिन बॉटम में ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे करना चाहें तो आप उस तरह कर सकते हैं। इसके बाद ये डबल क्लिक का विंडोज़ टाइटल बार टू जूम, अगर मैं इसकी डबल क्लिक करता हूँ इस विंडो की किसी भी, मतलब इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होती है डबल क्लिक करने से। इसी तरह ये ऑप्शन मैंने टिक किया हुआ है कि भाई मैंने ये जूम या मिनिमाइज मैं जो भी करना चाहूँ ये मैं डबल क्लिक विंडो की टाइटल बार पे करने से मैं कर सकता हूँ। और इसमें है जी शो रिसेंट एप्लीकेशन इन डॉक। इस जगह पे इस स्पेस पे अगर मैं रिसेंटली एप्लीकेशन अगर ओपन, ये देखें इधर अगर मैंने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की होगी तो ये अब नहीं शो होगी। अगर मैं इधर टिक कर दूंगा तो इस जगह पे मेरे पास एक रीसेंट एप्लीकेशन के लिए स्पेस बन गई है। जो भी मैं एप्लीकेशन क्लोज़ करूँगा तो वो कुछ देर तक मेरे पास इधर रहेगी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जी ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो डॉक। ये देखें जैसे कि इस पर मैंने क्लिक किया है साथ ही वो डॉक गायब हो गया। मैं इधर लेके आऊँगा कर्सर वो आ जाएगा ऊपर। तो इसको अगर हम अनचेक कर देते हैं तो ये हमेशा इधर रहेगा, मतलब मैं कर्सर स्क्रीन पे कहीं भी ले जाऊँ तो ये मिनिमाइज़ नहीं होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।